そうだな。इस टीकाकरण से बच नहीं पाए ऐसी हमारी शुभकामना है और मैं पूरी तो रुबेला उधर टीका है लेकिन सरकार इसको निशुल्क लगा रही है इस अवसर का भरपूर फायदा जनहित में प्रसारित सबने रिक्शा नहीं आएगा रिक्शा नहीं आएगा रिक्शा खसरा रुबेला मुक्त बनाना है। खसरा रुबेला अभियान 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। अपने वर्ष के सभी बच्चों को खसरा रुबेला का टीका लगवाएं। लो निहालों का जीवन स्वस्थ बनाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर द्वारा जुलाई से जो मिसेस रुबेला का जो एक महाअभियान पूरे राज्य में चल रहा है उसी की कड़ी के तहत आज मदर टेरेसा स्कूल के अंदर बच्चों का टीकाकरण किया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि बच्चों का टीकाकरण होने के बाद पूरे उत्साहित हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ है और दे आर सब जैसा भी हमारे राठौड़ साहब ने बताया कि शेखावत साहब ने सॉरी कि बच्चों का ये संदेश जा रहा है कि ये टीका और स्वास्थ्य के प्रति वो कितने जागरूक हैं। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब द्वारा आज जो हमारे मैडम आबा गांधी है हमारे राजेंद्र गांधी जी है इनकी तरफ से एक रथ का एक आयोजन किया गया है जो रथ पूरे शहर में घूम घूम के इसके बारे में प्रचार प्रसार करेगा और जो हमारा 8.5 लाख बच्चों को प्रतिष्ठित करने का जो लक्ष्य है जो हम सभी विभागों के सहयोग से पूरा करने की उम्मीद रखते हैं वो हम पूरा करने में पूरा करेंगे। और इसके अंदर हमारा जो विशेष योगदान है लॉयंस क्लब वगैरह के जो राजेंद्र जी गांधी जी और मैडम आबा गांधी और पंचोली जी वगैरह जो दे रहे हैं इनका हम पूरे आभार प्रकट करते हैं कि वो जागृति के लिए और सेवा के लिए जो बार बार आके आगे होकर कार्य करते हैं ये बिल्कुल अनुकरणीय है। और इनकी देखा हम दूसरे NGO से भी आह्वान करते हैं कि वो भी इस ओर कार्य करें। ये एक बहुत अच्छा सेवा का काम है, मानवता का काम है। इससे हम मिसेस रुबेला पे से निजात पा सकते हैं और इस बीमारी से बचने से हम काफ़ी बच्चों की डेथ को भी रोक सकते हैं। पूरे जिला प्रशासन के द्वारा अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा खसरा और रुबेला पे नियंत्रण और ख़त्म करने के लिए एक विशाल स्तर पर जागरूकता प्रचार प्रसार का अभियान किया जा रहा है। इस बारे में पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कई बार मीटिंग भी ली जा चुकी है और आज उसी कड़ी में CMHO साहब श्री KK सोनी जी और ACMHO साहब श्री गजेंद्र सिंह जी जोधा साहब जो ये मदर टेरेसा स्कूल है यहाँ के बच्चों का टीकाकरण किया गया ताकि उन पर इस जो गंभीर बीमारी है इस पर नियंत्रण पाया जा सके और खसरा जैसी बीमारी जड़ से समाप्त हो चुके इस वजह से ये किया गया है। और बच्चे टीकाकरण के बाद भी बहुत चहचहा रहे हैं इससे जाहिर होता है कि बच्चे भी ये संकेत दे रहे हैं कि अब हमें हर हाल में स्वस्थ रहना है। और सोनी साहब और जोधा साहब के करिश्माई व्यक्तित्व से और आबा गांधी जी और लॉयंस क्लब के जो आप राजेंद्र गांधी जी दीपक पंचोली जी जो इतना अपना समय निकाल करके और इतना हमेशा हर अच्छे कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं आज रथ यात्रा भी रवाना कर रहे हैं ताकि पूरे अजमेर ज़िले में इसकी जागरूकता और प्रचार प्रसार हो सके। और जो ये इन्होंने लक्ष्य लिया है 8.5 लाख टीकाकरण का वो पूरा किया जा सके और इसी के लिए जितनी संस्थाएं हैं चाहे NGO सामाजिक संस्था हो उन सब से भी आह्वान है। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला प्रशासन है, जो मेडिकल प्रशासन है, जितने भी क्लब्स हैं सभी इसमें शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें तो वाकई में खसरा और रुबेला पर नियंत्रण किया जा सकेगा।